ज्वालामुखी, ज्वालामुखी मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं, शांत या मृत ज्वालामुखी, सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी और प्रसुप्त ज्वालामुखी। इनको याद करने की एक ट्रिक होती है, जैसे कि देवबंद जो है ये ईरान में है, ये एक शांत या मृत ज्वालामुखी है, और मोनालोआ ये जो है हवाई द्वीप अमेरिका पर है, ये सक्रिय यानी जागृत ज्वालामुखी है, और हम बात करें फ्यूजीयामा ये जापान में है, ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है। तो हम इसे कैसे याद करें कि कौन सी ज्वालामुखी कौन सी है और किस देश में स्थित है, तो इसको याद करने की बहुत ही आसान तीन ट्रिकें हैं। इन ट्रिक्स को आप याद कर लेंगे तो आप जान जाएंगे कि कौन सी शांत ज्वालामुखी है, कौन सी सक्रिय यानी जागृत ज्वालामुखी है और कौन सी प्रसुप्त ज्वालामुखी है। तो शांत या मृत ज्वालामुखी याद करने की ट्रिक है कि पापा देवकी को शांत करो। पापा माने पोपा, ये जो है ये म्यांमार में स्थित है। देवबंद जो है ईरान में स्थित है। की माने किलिमंजारो, किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है। को माने कोह सुल्तान, ये ईरान में स्थित है। और शांत जो है ये सभी शांत ज्वालामुखी के उदाहरण हैं, यानी पापा देवकी को शांत करो, तो पोपा, देवबंद, किलिमंजारो और कोह सुल्तान ये सभी शांत ज्वालामुखी हैं। दूसरी है हमारी प्रसुप्त ज्वालामुखी, इसको याद करने की ट्रिक है कि बम फ्यूज हो गया। बा माने विशुवियस, ये इटली में स्थित है विशुवियस। मा माने मेयाना, ये जो है फिलीपींस में स्थित है। और फ्यूज, फ्यूजीयामा ये जापान में स्थित है, हो गया साइलेंट है। तो विशुवियस, मेयाना और फ्यूजीयामा ये सभी प्रसुप्त ज्वालामुखी है, इसकी ट्रिक है बम फ्यूज हो गया। इसी तरह से सक्रिय ज्वालामुखी को याद करने की भी एक ट्रिक है, सक्रिय ज्वालामुखी इसकी ट्रिक है मोना से कोई एस करे, मोना से कोई एस करे। सक्रिय इनको जागृत ज्वालामुखी भी कहते हैं, मोना से कोई एस करे, तो इसकी ट्रिक बनेगी मोना से मोनालोआ, ये हवाई द्वीप अमेरिका में स्थित है। से सेमेरू, ये जो है इंडोनेशिया में स्थित है। को से कोटोपैक्सी, ये जो है इक्वाडोर में स्थित है। ई से इरेक्स, ये जो है अंटार्कटिका में है। ए से इटना, ये इटली में स्थित है। सा से स्ट्रामबोली, ये भी इटली में स्थित है। और करे का साइलेंट रहेगा। तो जो है सक्रिय यानी जागृत ज्वालामुखी की ट्रिक हुई मोना से कोई एस करे, यानी मोनालोआ, सेमेरू, कोटोपैक्सी और इरेस, इटना और स्ट्रामबोली। अब हम कुछ बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर। सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी है। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायो है। एक भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? स्ट्रामबोली, जो कि लिपारी द्वीप पर है। सर्वाधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं परिप्रशांत महासागरीय पेटी पर। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वो है बैरन द्वीप, ये जो है अंडमान निकोबार द्वीप पर के पास स्थित है, बैरन आइलैंड, यहाँ पर जो है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ये भी कुछ दिनों पहले इसमें जो है ये सक्रिय भी हुआ था। ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसें, इनको याद करने की एक ट्रिक है, सल्फर कब ना जला, सल्फर कब ना जला। तो सल्फर से सल्फर डाइऑक्साइड, कब से कार्बन डाइऑक्साइड, ना से नाइट्रोजन और जला से जलवाष्प। जलवाष्प जो है ये सर्वाधिक होती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और नाइट्रोजन यानी N2 और जलवाष्प, ये सभी गैसें जो हैं ज्वालामुखी के विस्फोट होने पर उसमें से निकलती हैं, CO2, SO2, N2 और जलवाष्प। तो ये थी ज्वालामुखी को याद करने की ट्रिक कि कौन सी ज्वालामुखी कौन सी है और वो किस देश में स्थित है, इसको आप यहाँ से आसानी से याद कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।